Hello everyone, welcome to AJ Today Education. आज हम सहकारी निरीक्षक वर्ग टू का पेपर लेकर के आए हैं. जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि आपको सहकारी निरीक्षक का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. आपका सहकारी निरीक्षक ये वर्ग टू का पेपर है, इसका पेपर कोड था 67. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को. सबसे पहला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है. तो तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई, आप सभी को पता होगा. अगरतला की राजधानी क्या है, अगरतला राज्य की राजधानी है तो है वो आपका त्रिपुरा. ठीक है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पीपल किस राज्यों का राज्य वृक्ष है. तो पीपल भाई आपका बिहार और हरियाणा दोनों का है, तो इस ए और बी आपका आंसर हो जाएगा. भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आपका मैंगो यानी आम. बात करते हैं भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, तो वो उस समय थे आपके मनोहर पारिकर. और अगर अभी के बारे में बात करें तो वो हैं आपके राजनाथ सिंह. ये 2015-16 की बात है. मनोहर पारिकर आपके उस समय के रक्षा मंत्री थे. अगर मैं आज बात करूं 2021 की तो वो हैं आपके राजनाथ सिंह. तो राजनाथ सिंह क्या है, आपके रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर. 2021 में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, वो राजनाथ सिंह है. ओके, चलिए आगे बात करते हैं. भारत में प्रथम जो गृह मंत्री थे वो कौन थे, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल. आपके क्या थे, आपके पहले गृह मंत्री थे. ठीक है, बात करते हैं आपका प्रथम भारतीय जिसने आपका ग्रैमी पुरस्कार जीता था वो थे आपके रविशंकर. तो ग्रैमी पुरस्कार जो पहले आपके भारतीय ने जीता है वो है आपके रविशंकर. भारत का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है वो कहाँ है, वो इंडिया की बात करें तो आपके कोलकाता में है. ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, आपका कोलकाता में है. ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म का जो चयन करना है तो वो क्या है आपका. देखो, जो अगर बात करूं मैं कि जो उत्तर प्रदेश का कथक, आपका उत्तर प्रदेश कथक में मनाया जाता है. तमिलनाडु आपका भरतनाट्यम मनाया जाता है. आपका बात करते हैं आपका उत्तराखंड में कुचिपुड़ी नहीं है. कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, कुचिपुड़ी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में. इस चीज का ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया था, इसीलिए क्या है यहाँ पर पूछा था असत्य युग्म, तो आपका ऑप्शन होना था सी. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसमें. चलिए आगे बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश के जो अगर प्रथम राज्यपाल के बारे में बात करें. देखो, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो अगर प्रथम राज्यपाल है कौन है, वो आपकी सरोजिनी नायडू थी. एक और चीज ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा कि भारत में पहली जो राज्यपाल बनी है वो कौन है, वो ही आपकी सरोजिनी नायडू है. ठीक है, और सरोजिनी नायडू का आप जानते हैं कि आपका 13 फरवरी को इनका जन्मदिवस आता है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. सही युग्म का यहाँ पर चयन करना था, तो अगर मैं सही युग्म के बारे में बात करूं, देखो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ है तो 1914 में हुआ है. गांधी जी भारत वापस आए थे 1915 में. ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में. तो इसका आंसर था उपरोक्त सभी सही है. देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत बार बता चुका हूँ. देशबंधु को कहते हैं आपके चित्रंजन दास कहते हैं देशबंधु को. ठीक है, और अगर अगर कहीं पे आता है दीन बंधु, ध्यान रखना है. देखो, देशबंधु और दीन बंधु दोनों में अंतर है. दीन बंधु आएगा तो आपका सीएफ एंड्रयूज. ठीक है, सीएफ एंड्रयूज आ जाएगा. बात करते हैं पीक्यूएलआई के संगठक का नाम, जो आपके संगठक है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, 15 वर्ष की आयु पर मौलिक साक्षरता. ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वस्तु के वजन आकार या नाप के अनुसार लगाया कर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका परिमाण परक कर, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं. बात करते हैं अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया था, तो ये किया था आपका शाहबाजगढ़ी. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आर्यभट्ट प्रथम का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका पाई से संबंधित है, आर्यभट्ट प्रथम का संबंध. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहां पर बात कर रहा है कि ऐसे कौन से युवा हैं जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, तो वो थे आपके राजगुरु. ओके, महाराष्ट्र से संबंधित है. बात करते हैं आपके पूसा में कृषि अनुसंधान किसने स्थापित किया था. ठीक है, तो ये किया था आपका, और ध्यान रखना है जो पूसा कृषि अनुसंधान है ना, ये जो बना है ये 1905 में आपका बनाया है, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था. बात करते हैं किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया. देखो, पंचायती राज को सर्वप्रथम की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान. कब की गई थी, 1959 में की गई थी सर्वप्रथम पंचायती राज की, जो सर्वप्रथम लागू किया गया था. बात करते हैं किस
शहर को विश्व का योगा राजधानी के नाम से जाना जाता है, यानी योग नगरी कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऋषिकेश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की, भूमि और तथा समुद्र के बीच दबाव में मौसम अंतर का उत्पन्न क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं आपका मानसून। बात करते हैं कालपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित है वो कहाँ है, वो है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, जो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ है आपका तमिलनाडु में। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। देखो जनसंख्या घनत्व अधिक यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करी गई है, बट हमें चूज करना है इनमें से, तो इसका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर हरिद्वार में सबसे ज्यादा ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के अनुसार। बात है जेएसके, जीएसके की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो इसका मतलब होता है जन स्वास्थ्य कोष, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जन स्वास्थ्य कोष हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका आउट ऑफ आपका पॉकेट व्यय का जो प्रस्ताव किस क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वॉज पर्पज इन द एरिया ऑफ, तो ये है आपका स्वास्थ्य। ठीक है, बात करते हैं आपका तीर्थ का जो महावीर की आपके प्रतिमा की, ध्यान रखना जो ये महावीर महावीर थे ये आपके 24वें तीर्थकर थे, है ना, ये सभी को पता होगा। तो ये कह रहा है कि जो प्रतिमा की पहचान का जो चिन्ह था वो क्या था, वो था आपका सिंह। बात करते हैं यहाँ पर आर्य सभा की स्थापना किसने की, तो ये है आपका रमाबाई ने। ओके, अब बात करते हैं कि विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। भारत का प्रथम जो अंग्रेजी अखबार है वो अंग्रेजी अखबार कौन सा है, द बंगाल गजट है। ठीक, और जो ये आपका बंगाल गजट है ये आपका 1700 आपका 79 यानी आपका 1779 और 80 के दशक में ये आपका आपका किसने किया था, ये जेम्स इसका नाम है जिन्होंने द बंगाल गजट लिखा है, ये है आपका जेम हिक्की कहते हैं इन्हें। ठीक है, जेम्स हिक्की भी कहते हैं और इनके बीच में एक और नाम आता है जेम्स अगस्टस। ओके, जेम अगस्टस हिक्की। ओके, तो ध्यान रखना है जेम्स हिक्की से भी याद रख सकते हो, सिर्फ हिक्की से भी याद रखते हो, अगर इसका प्रॉपर नाम देखा जाए जे ए हिक्की, या फिर कभी कभी सीधा क्या आता है ये बीच का नाम आ जाता है, इसको बोलते हैं आपका अगस्टस। ओके, तो जेम्स अगस्टस हिक्की इनका पूरा नाम है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि भारत का जो प्रथम हिंदी अखबार है, देखिए हिंदी अखबार है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हिंदी के बारे में बात करूं, हिंदी अखबार है तो वो है आपका 1826 में आया था, उसका नाम था आपका आपका उदंड, उदंड मार्तंड। ठीक है, ध्यान रखना है उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड ये कहाँ से हुआ था, ये कोलकाता से हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, कोलकाता, पहले पुराने में कोलकाता ही कहते थे। और अगर बात करें कि ये किसने लिखा था ये अखबार, मतलब कौन इसको छापता था, तो ये थे आपके पंडित आपका जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर याद रखेंगे। और ये आपका 1826 में हिंदी अखबार पहली बार आया था, और अंग्रेजी अखबार की बात करें भारत में तो ये आया था 1779 यानी आपका 1779 और 80 में आया था जेम्स हिक्की या जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा ये आपका लिखा गया था। ठीक है, जो आधिकारिक भाषा का अखबार अंग्रेजी में माना जाता है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने लागू किया था, आधिकारिक भाषा के बारे में बात कर रहा है कि किसने लागू किया था। देखो पहले तो ध्यान रखना कि अंग्रेजी का जो एक तरीके से कह सकते हैं ना जो आई थी, जो लागू हुई अंग्रेजी, वो 1935 में लागू हुई थी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, 1935 में लागू हुई थी। ओके, और एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर बात की गई है अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने लागू किया था, तो ये थे आपके चार्ल्स वुड यानी सर, क्योंकि ये की गई थी आपकी 1957 में, ध्यान रखेंगे 1957 में यानी 1957 में ये की गई थी, इसलिए इसका आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं था। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका भारत में किस नदी को आपका वृद्ध गंगा, ध्यान रखना है यहाँ पर वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी को। अगर सीधा आएगा दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, ध्यान रखना दक्षिणी गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। अगर आएगा दक्षिण भारत की गंगा, देखो अगर ये भारत जुड़ जाएगा ना, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, इसे ये बोलते हैं आपका कावेरी को, किसको बोलते हैं, कावेरी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी गोदावरी होती है, वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा। अगर बात आएगी दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पता होगी।
अब यहाँ पर आता है कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, वो गंगा है। अगर बात की जाए देखो बहुत जगह पे ये आपका 2525 किलोमीटर दी जाती है कि ये इतनी लेंथ कवर करती है गंगा। वैसे अगर थोड़ा देखा जाए बहुत सारी बुकों में ये आपका 2500 आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, ज्यादातर यही माना जाता है 2510 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी आपकी, गंगा नदी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता होगा। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वो क्या है, वो आपका फुटबॉल है, आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं, इसमें सही युग्म का चयन करना था, ठीक है। तो ध्यान रखना जो प्रथम राज्यपाल है वो तो सुरजीत सिंह बरनाला, बिल्कुल सही है। प्रथम जो मुख्यमंत्री है वो आपके नित्यानंद स्वामी, बिल्कुल सही है। प्रथम जो न्यायाधीश है तो वो क्या है आपका, अशोक अभिंद्र देसाई है, बिल्कुल सही। तो सारे के सारे ऑप्शन सही थे। बात करते हैं उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है वो कहाँ है आपका, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, तो ये पड़ती है आपके पिथौरागढ़ में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पिथौरागढ़ में पड़ती है। बात करते हैं प्लाज्मा पैनल क्या है, तो प्लाज्मा पैनल है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बात करते हैं जंक ईमेल, अभी जंक ईमेल क्या होता है, तो स्पैम, जितने भी स्पैम मेल आते हैं जिसके द्वारा आपके फ्रॉड किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जंक मेल कहते हैं, यानी स्पैम मेल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, तो उन हिंदी के क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी आती है भाई इसमें, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो स्वर संधि का जो उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो विद्यालय आपका स्वर संधि का उदाहरण है। बात करते हैं जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के आपके धर्म गुण दोष आदि का जो बोध होता है उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर है भाववाचक। इसका आंसर होता है भाववाचक। निम्न में से किसमें आपका विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि देखा जाए निश्चल में विसर्ग है और मरुस्थल में विसर्ग है, तो उसका ऑप्शन होगा आपका ए एंड बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीते रहो दीर्घायु हो चिरंजीव किस प्रकार के शब्द हैं, तो ध्यान रखना ये आपके किस प्रकार के शब्द हैं, ये आपके आशीर्वाद शब्द हैं, मतलब दीर्घायु जब हम क्या करते हैं किसको नमस्ते करते हैं किसी से मिलते हैं तो उस समय क्या होता है आशीर्वाद बोधक कहते हैं इनको, है ना। अंग्रेजी शब्द का अगर इसमें मैं चयन की बात करूं, देखो स्टेशन मैनेजर अगस्त ये सब क्या है, एक तरीके के अंग्रेजी शब्द है। अगर आपने अंग्रेजी थोड़ी सी पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा ये सारे के सारे स्टेशन, ठीक है, आपका मैनेजर और ये अगस्त, तो आपने देखा होगा ये सब क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट में ज्यादा तक प्रयुक्त किए जाते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, संयुक्त वाक्य का किस प्रकार से होता है, देखो संयुक्त वाक्य होता है मतलब कि बीच में किसी तरीके से जोड़ा हुआ रहता है वाक्य को, है ना। देखो शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कथा से चले जाओ, तो इस तरीके के जो क्या होता है बीच में एक शब्द होता है जिससे क्या होता है दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो उनको कहते हैं आपके जो संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अथवा बीच में आ गया तो उसे संयुक्त कहते हैं, बात ठीक है। बात करते हैं निम्न में से सही युग्म का हमें यहाँ पर चयन करना था, सही युग्म क्या है, देखो प्रसंग के अनुकूल प्रश्न उत्तर नहीं, बिल्कुल नहीं, दिन नहीं, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, जिस सामाजिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भैया आपका द्वंद्व समाज। बात करते हैं पांच शेरों का समूह एक तरीके से इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्विगु समास है, क्योंकि ठीक है समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना, पांच आ गया, पांच शेरों का समूह। शुद्ध शब्द का इसमें चयन करना था, तो शुद्ध शब्द का इसमें अगर चयन की बात करें तो इसमें क्या है आपका सरोजनी, सरोजनी इसमें क्या है आपका सही। विस्मयादिक बोधक चिन्ह, विस्मयादिक बोधक किसे बोलते हैं, इसको कहते हैं भाई इस तरीके से, ये विस्मयादिक बोधक है। बात करते हैं कमल के पर्यायवाची की, बात करते हैं कमल का पर्यायवाची आपका पंकज। उत्तराखंड की जो द्वितीय आधिकारिक भाषा है तो वो क्या है, तो वो आपकी कौन सी है, वो आपकी संस्कृत है। अगर बोला जाएगा कब से है तो ये आपकी जनवरी 2010 से है, ठीक है। बात करते हैं जो जागेश्वर मंदिर है, ये जागेश्वर मंदिर है, बहुत बार आता है ये जागेश्वर मंदिर कहाँ है, ठीक है, ये एक तरीके से समूह भी है, कभी कभी आता है जागेश्वर मंदिर का समूह कहाँ है, तो ये आपका अल्मोड़ा में है। बात करते हैं उत्तराखंड के जो गृह मंत्री, ठीक है, उत्तराखंड के गृह मंत्री अभी इससे पहले कौन थे, ठीक है, तो आपने तीरथ सिंह रावत सुना होगा, है ना, इससे पहले क्या थे, तीरथ सिंह रावत थे, है ना, तो ये आपके सीएम के अंडर आता है, ठीक है, गृह मंत्री की लेने पे बात होती है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो कौन कौन से आपका गृह मंत्रालय दे रहा है, ठीक है, सीएम के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और पहले आपके गृह मंत्री के बारे में बात करें, अगर मैं देखो 2020 के बारे में बात करूं तो तब तो आपके TSR थे, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके बाद आपका तीरथ सिंह रावत आए, ओके, अब तीरथ सिंह रावत भी चेंज हो गए हैं, तो अभी कौन है सीएम, आपके पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते थे पुष्कर सिंह, ठीक है, डी PhD से याद रखेंगे आप, तो पुष्कर सिंह धामी अभी कौन है आपके गृह मंत्री हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की बात की है तो यहाँ पर नंदा देवी है,
ठीक है, तो गृह मंत्री अभी कौन है आपके, पीएसडी है पुष्कर सिंह धामी। बात करते हैं सोन प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, तो सोन प्रयाग में आपके, सोन प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है तो आपके सोन गंगा से मिलती है। बात करते हैं पुष्पावती, बहुत बार आ चुका है तो आपने फूलों की घाटी सुना होगा, फूलों की घाटी में ये पुष्पावती नदी बहती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में जो मिस्ट्री ताल है, ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मिस्ट्री ताल तो ये कहते हैं आपके रूपकुंड को, है ना, अगर मिस्ट्री लेख आएगा तो ये आपका आंसर होगा रूपकुंड। बात करते हैं निम्न में से कौन असत्य है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य नहीं सत्य की बात की गई है तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ई एम सी शेयर धारकों को प्रति ई एम सी शेयर $33.15 का कुल संयुक्त आपका प्रतिफल प्राप्त होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही था। बात करते हैं आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्न कथनों पर विचार करेंगे आप, कैबिनेट ने आपका कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायक कंपनियों में 2007 में लागू वेतन संशोधन के आपका नियमितीकरण को अनुमोदित कर दिया था और यह आपका सहायक कंपनी घाटे में थी, तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही थे। एक और भी अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक भारत निर्मित हेलीकॉप्टरों का जो आदेश रद्द किया है, ठीक है, तो किसकी सरकार ने, इक्वाडोर। बात करते हैं राष्ट्रपति ने मध्यस्थता एवं आपका सुलह जो अधिनियम 1996 में संशोधित और गठन सहित दो अध्यादेश आपके प्रख्यापित किए थे, वो कौन से थे भाई, वो थे आपके वाणिज्यिक अदालतों वाले। बात करते हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना जो अभी देखो जो वित्त मंत्री के बारे में बात की गई है, तो अभी जो 2021 में वित्त मंत्री हैं वो कौन है, तो आप सभी जानते हैं अभी कौन है आपके सीएम, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी कौन हो जाएंगे आपके वित्त मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। बात करते हैं आपका IDFC बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा में आपका सार्वभौमिक बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका July 2015। आपका इंफोसिस ने अमेरिका आधारित का अधिक ग्रहण कर लिया, तो वो क्या है आपके नोवा समूह। आपका गणितीय जो माध्य है, ध्यान रखना यहाँ पर अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, माध्य का मतलब अर्थमेटिक मीन 45 है, मोड आपका क्या है 48 है, ठीक है, ये कह रहा है मिडेन निकाल रहे हैं, तो आपने तीनों का एक फॉर्मूला देखा होगा, तो इसका आंसर जो आ रहा था भाई वो इनमें से कोई नहीं था, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं आपका प्रसरण का विश्लेषण निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है, तो ये है आपका एफ परीक्षण यानी एफ टेस्ट, ठीक है। बैंडवैगन प्रभाव अनुरूपता प्रभाव किस में पाया जाता है, तो ये है आपका सापेक्ष आय परिकल्पना यानी ऑप्शन सी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें। बात करते हैं लेन देन लागत को निम्नलिखित भी कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका सू लेदर लागत यानी सू लेदर कॉस्ट कहते हैं। मजदूरों का जो अतिरिक्त सेना यह परिकल्पना किसकी है भाई, मजदूरों की अतिरिक्त सेना ये आपके कार्ल मार्क्स की है, ध्यान रखना। असंतुलित विकास के विचार को इसने समर्थन नहीं दिया, तो कौन थे वो थे आपके W.A. Leibniz, ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। निम्न में से क्या वित्तीय नीति का संसाधन नहीं है, तो वो है आपका नगद संचय अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशो के बारे में बात हो रही है। आगे चलते हैं मांग की मूल्य आपका जो प्रत्यास्थता एक के बराबर होती है जब मांग वक्र होता है, तो ये है आपका अधोमुखी गतिमान रेखा यानी आपका डाउनवर्ड मूविंग लाइन। बात करते हैं आपका फिलिप्स का वक्र इनका संबंध दर्शाता है, तो ये है आपका मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी। आगे चलते हैं बात करते हैं अभ्रक का जो अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है आपका भारत। बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, ध्यान रखना नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो संबंधित है वो मेधा जो मेघा पाटेकर है, ठीक है। कर भार होता है, तो कर भार क्या है आपका अंतिम विश्राम स्थान यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। विशेष कर होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। बात करते हैं राज्य सूची में निम्न में से क्या शामिल है, तो आपका भू नीतियां, ठीक है, भू नीतियां राज्य सूची में ना भू नीतियां शामिल है इन इन ऑप्शनों में से। गेहूं के दानों का जो रिपोज कोण होता है, ध्यान रखना जो वीट ग्रेन होता है उसका जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो कितना होता है, ये चीज ध्यान रखो, वो होता है आपका 25। भारत में आपका सर्वाधिक उत्पादन किए जाने वाली सब्जी फसल है, तो वो कौन सी है, तो भाई ये है आलू, ठीक है, ये क्या है आलू है, ऑप्शन क्या हो जाएगा पोटैटो, ठीक है। बात करते हैं इसमें निम्न में से कौन एक आपका बहुप्रयोजक औजार है, तो ये है आपका बहुप्रयोजन आपका टूल बार वाहक। बात करते हैं आपका छिड़काव यंत्र की आपका अनुप्रयोग दर प्रभावित होती है, तो इसका है इनमें से कोई।
अब यहाँ पर बात करते हैं रिपर जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो रिपर प्रयुक्त किया जाता है आपका कटाइयों के लिए। बात करते हैं यहाँ पर खेती की प्रक्रिया आपका जिसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है आपके भू आपका पर्यावरण में, ठीक है। बात करते हैं इसमें एक हेक्टेयर बराबर होता है, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है आपका आपका 10,000 वर्ग मीटर। बात करते हैं हल का जो ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं आपका वर्टिकल आपका सक्शन, ओके, ऑफ आपका प्लग इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, झुकाव प्रभावित होता है, तो आपका जो कट की गहराई होती है। बायोगैस का जो मुख्य ज्वलनशील घटक होता है, ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, मेन जो आपका कंबस्टाइबल आपका कंसिस्टेंट ऑफ बायोगैस होता है, तो वो होता है आपका मीथेन। भारत वर्ष का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है आपका गुजरात में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं बायोगैस संयंत्र का जो अव्यय होता है, ठीक है, एक तरीके से कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस क्या होता है, उपयोग सभी, देखो उसमें ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है, जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो क्या है आपका सूर्य है। बात करते हैं कार्य करने की दर को जाना जाता है, कार्य करने की दर को जाना जाता है शक्ति यानी पावर कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं आपका पावर कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गनेल निम्न का हिस्सा होता है, तो ये है आपका मोल्ड बोर्ड हल का, गन्ने से आपका गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो ये है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है, तो सारे के सारे इसका ऑप्शन है। पवन चक्की का जो प्रयोग होता है, तो पवन चक्की का प्रयोग आपका क्या है, देखो पानी को पंप करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए दोनों होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका निम्न में से कौन सिंचाई की एक विधि नहीं है, तो ये है आपका त्वरित सिंचाई। अब बात करते हैं यहाँ पर जो वाष्पेशन प्रक्रिया है वो एक तरीके से कैसी है आपकी भौतिकी है। 14वां वित्त आयोग, ध्यान रखना अभी अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, अभी 15वां जो आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, चीज का ध्यान रखना है। 14वें वित्त आयोग के बारे में बात की गई है, ठीक है, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 2021 अभी स्टार्ट है, और यहाँ पर बात करते हैं ये 2026 तक, ठीक है, 2026 तक चलेगा 15वां वित्त आयोग। बात करते हैं यहाँ पर 14वें वित्त आयोग के भाई वो कौन थे अध्यक्ष, तो वाईवी रेड्डी थे। बात करते हैं निम्नलिखित में से आपका कौन आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है, तो वो है आपका व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरीके से एजुकेशन के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी प्रकार के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोर क्वेश्चन पेपर आप पाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसमें हम और भी बहुत सारी एडिशनल चीजें लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।